कुकिंग इज़ लव, यू कैन टेस्ट, या लिटरली इट्स ट्रू। और अब हम इसे वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एंड अब आज हम लोग बहुत ही मज़े की एक दाल बनाने जा रहे हैं जो कि मिक्स दाल है। मिक्स दाल में सिर्फ दो दालों का कम्बिनेशन है, जो कि है एक माश के छिलकों वाली दाल और इसके अंदर मैंने दूसरी दाल डाली थी, खिचड़ी की दाल। खिचड़ी की दाल मैंने आधा पाव ली थी और माश की दाल मैंने आधा किलो ली थी। इन दोनों को मैंने भिगो के रख दिया 4 घंटे के लिए मीठा सोडा डाल के। मीठा सोडे की क्वांटिटी आपने 1 टीस्पून जो है मीठा सोडा इसमें डाल देना है और आपने इसको 4 घंटे के लिए छोड़ देना है दोनों दालों को मिक्स करके। ऑनवर्ड्स हम लोगों ने अपने दाल की रेसिपी की तरफ प्रोसीड कर लेना है। फिर मीठा सोडा हम इसलिए डालते हैं ताकि दाल जो है वो थोड़ी सी गल जाए। दाल बहुत ही मज़े की है और सालन जो होता है वो तो वैसे ही मज़े का होता है, नो डाउट। वेल, इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। अच्छा जी, मैं सालन की कुछ रेंजेस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ नॉर्मली। वेल, हम वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे। अब मैंने इसमें दाल दी है दाल, सो अब मैं दाल डाल दूँगी। और दाल डालने के बाद मैंने इसके अंदर 5 गिलास पानी फर्दर ऐड कर देना है, ठीक है। फर्दर ऐड करने के बाद हम इसमें मीठा सोडा फिर से डालेंगे। बस सालन की रेंज यार मैं इसलिए भी लाती हूँ क्योंकि मुझे, मेरा मानना है कि मेरी मामा सालन बहुत मज़े का बनाती है। खैर, सबको यही लगता है कि सबकी माँ का खाना डेफिनेटली अच्छा होता है, नो डाउट। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये रेसिपीज़ मेरे पास सेव होनी चाहिए। सो आई जस्ट यूज़ टू टेक दम आउट फॉर यू पीपल्स टू। तो आप लोगों को भी अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हमने डाल दिया इसमें 5 गिलास पानी। एंड नाउ अब हम लोग इसमें डालेंगे मीठा सोडा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा और ले लिया था और मैंने डाल दिया इसके अंदर। एंड अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस इसमें भी थे और मैंने मसाला बाद में डालना था उसमें भी थे, तो फिर इसको मामा ने नाम दिया था। मामा इसको इसी तरह बुलाती हैं, मामा कहती हैं ये है पटाखा दाल। ओके, सो होप्स आप लोगों को भी मज़े की लगी क्योंकि इसमें स्पाइसीपन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है नमक लिया था, आधा टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली थी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ली थी। अच्छा जी, मैंने इसको 20 मिनट के लिए पकाया था। 20 मिनट के पकाने के बाद आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका। मैंने फिर कवर कर दिया इसको, 15 मिनट के लिए पकाया। 15 मिनट के बाद खोला तो अब टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट था। अब हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया। मसाला मैंने बिल्कुल 1/4 कप लिया था जो कि मैं यूज़ टू मतलब बनाती रहती हूँ। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और मैंने अब इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं 20 मिनट इसे दोबारा पकाऊँगी। नॉर्मली जो मैं मसाला बनाती हूँ बिल्कुल मैंने सिंपल सा बनाया, कोई मैंने इसमें स्पाइसेस मतलब इस तरह शान के मसाले और इस तरह के एडिशन में अपने सालनों में नहीं करती हूँ, और तब भी बहुत ही परफेक्ट बन जाते हैं क्योंकि वो होती है मेरी मामा की रेसिपी और मामा नहीं यूज़ करने देती ऐसे मसाले। जितने भी मसाले हम डालते हैं वो घर के बने होते हैं। लाइक मैंने अब इसमें गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून और हमारा सालन हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का लगता है, क्रीमी सालन होता है यार ये। एंड मेरा मानना है कि मामा के खाने बहुत मज़े के होते हैं। पहले अब हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरह करके आपने निकाल लेना है इसे। और उसके बाद फिर क्या करना है, फिर खा जाए वैसे। लेकिन खैर, मैंने वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने डेकोरेशन भी की। हमने इससे पहले इस पर लेमन 1/2 इस पर स्प्रिंकल कर लिया। अगर आप चाहें तो पूरे सालन में डेफिनेटली आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून मिर्चें भी डाल सकते हैं। खैर, हमारा सालन हो चुका था यम्मी वाला रेडी, तो मैंने इसका एक मोंटाज भी बना लिया। एंड अब हो चुका है हमारा सालन बिल्कुल तैयार। होप्स आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। एंड इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, मामा की रेसिपीज़ के साथ, अपनी कुछ अपनी रेसिपीज़ के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और वेट वेट वेट, जिसके घर में गैस नहीं आ रही वो गैस ले ले। खैर, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।